साइड सामने काली मेन स्ट्राइक पे उन्होंने काली स्ट्राइक पे काली नॉन स्ट्राइक पे अश्विन काफी धुरंधर बल्लेबाज और एक अच्छा मुकाबला यहां पे दर्शकों को देखने को मिल सकता है गुरु शिष्य के इस ग्राउंड पर। और गेंदबाजी का जिम्मा दिया गया है हिमांशु। हिमांशु की पहली गेंद का सामना करेंगे काली। काफी रोमांचक मुकाबला इस ग्राउंड पर देखने को मिलेगा अभी दर्शकों को किलोनी वर्सेस तिरसे के बीच में। और हिमांशु की पहली गेंद का सामना करेंगे काली। देखना है पहली गेंद का किस तरह से सामना करते हैं काफी धुरंधर बल्लेबाज काली। और पहली गेंद को सम्मान दिया काली ने और उतनी अच्छी गेंद हिमांशु की। और कोई रन नहीं किलोनी के खाते में। अगली गेंद हिमांशु की एक बार फिर काली के लिए। देखना है रिवर्सिव खेलने का प्रयास और ये गेंद को सीधे लेग दिशा में खेला वहां पर क्षेत्ररक्षक दौड़ गेंद के पीछे दौड़ते हो लेकिन गेंद के सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। और इसी चार रन से अपना और अपने टीम का खाता खोला काली ने। चार रनों से अच्छा प्रहार देखने को मिला इस गेंद पर हिमांशु के काली द्वारा। एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग से तैयार हिमांशु और बल्लेबाजी के लिए तैयार काली। एक बार फिर रिवर्स स्वीप में खेल दिया गेंद जाती है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको समीर की तरफ से काली के इस छक्के के लिए समीर और टिंकू की तरफ से 100-100 रुपए का इनाम आया है। और उतना ही अच्छा यहां पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है काली के बल्ले से। दर्शक जो देखने के लिए इस ग्राउंड पर आए पैसा वसूल गेम देखेंगे काली और हिमांशु के बीच में जो जंग जारी है इसमें देखने को मिलेगा कौन विजेता होता है। एक बार फिर रिवर्सिप खेलने का प्रयास लेकिन हिमांशु समझ चुके हैं कि किस तरह से काली को गेंद डालनी है और गेंद जाती हुई कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। चार गेंदों में अब तक बनाए काली ने 10 रन एक छक्का एक चौका दो डॉट गेंदे। हिमांशु की अगली गेंद एक बार फिर काली के लिए धीमे से पुश कर दिया और बहुत ही तेज गति से पहला रन दौड़कर पूरे किए। दूसरे का प्रयास करेंगे या नहीं ये देखना होगा। संतुष्ट होना पड़ेगा अश्विन को मात्र एक रन से। और पहली और अभी भी जारी ओवर की आखिरी गेंद शेष। ओवर की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान के किलोनी का स्कोर जा पहुंचा 12 रन। 12 के औसत से रन बनाए किलोनी ने। तिरसे के अगले गेंदबाज होंगे युवराज और युवराज की पहली गेंद का सामना करेंगे अश्विन स्ट्राइक पर मौजूद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और नो स्ट्राइक छोर पर काली। युवराज की पहली गेंद का सामना करेंगे अश्विन। काफी मशहूर गेंदबाज युवराज वाड़ा के से बिलोंग करते हैं ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज। तलासरी के इस ग्राउंड पर पहली बार
आए हुए मैच खेलने के लिए, देखते हैं दर्शक जो यहां पर मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेट देखने के लिए यूट्यूब पर अक्सर सभी लोग मैच देखते हैं, लेकिन यहां पर लाइव मैच देख का आनंद लेते हो तलासिर के दर्शक। और लेग दिशा में खेली गई गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद जब तक क्षेत्ररक्षण हो, आसानी से एक रन काली और अश्विन ने दौड़कर पूरे किए, इसी एक रन के साथ स्कोर जा बढ़ता हुआ 13 रन। अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही धुरंधार बल्लेबाजी यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रही है। गुरु सुशी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में बस डेपो के इस ग्राउंड पर युवराज की अगली गेंद का सामना करेंगे काली। लेग दिशा में धीमे से पुश कर दी गेंद को, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी काली द्वारा। और लगातार अच्छी बल्लेबाजी और उतनी अच्छी गेंदबाजी युवराज द्वारा देखने को मिली इस समय। युवराज की अगली गेंद एक बार फिर काली को, गेंद को सम्मान दिया और बहुत ही तेज गति से दौड़कर एक रन पूरे किए। और उतनी अच्छी गेंदबाजी एक बार फिर देखने के लिए युवराज द्वारा, और उतनी ही समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए काली। और स्ट्राइक पर आए एक बार फिर बाएं हाथ के बल्लेबाज अश्विन। युवराज की इस गेंद को नसीहत देते हुए अश्विन सीधा गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिल रही है अश्विन और काली द्वारा। और पूरी तरह से नाकाम होते हुए यहां पर गेंदबाज, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है किलवानी की ओर से। और स्कोर जा पहुंचा इसी 4 रन के साथ 22 रन 22। युवराज की अगली गेंद का एक बार फिर सामना करेंगे अश्विन, बाएं हाथ के बल्लेबाज जिन्होंने अच्छे प्रहार किए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेली गई गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और पहला झटका लगता हुआ किलवनी को अश्विन के रूप में। 22 रनों पर पहला झटका लगता हुआ किलवनी को, और अश्विन की जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज अजीत गावित। अश्विन की जगह लेने आए अजीत, और नौ स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद काली। और एक बार फिर अच्छी गेंद देखने को मिली युवराज द्वारा, वाड़ा से बिलोंग करते, काफी अच्छे सफल गेंदबाज और बल्लेबाज हैं युवराज। और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है किलवनी की ओर से। अच्छी गेंदबाजी युवराज द्वारा देखने को मिली, जिस तरह से वो मशहूर है ना, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। जिस हिसाब से बाउंड्री पड़ी उनके, उसके बाद में उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण रखा और गेंदबाजी की, एक विकेट चटकाया और 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा किलोनी का 23 रन 23।
अपने कोटे से दूसरे ओवर और टीम के कोटे से तीसरे ओवर लेकर आ रहे हैं हिमांशु, और हिमांशु की पहली गेंद का सामना करेंगे अजीत। धीमे से सम्मान दिया गेंद को और तेज गति से दौड़कर एक रन पूरे करते हुए काली और अजीत। उतनी अच्छी गेंद हिमांशु की, हिमांशु के अगले गेंद का सामना करेंगे एक बार फिर काली। रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास और गेंद का बाहरी किनारा लेकर कीपर के दस्ताने में जाती हुई गेंद, काली को लौटना होगा पेविलियन में। और दूसरा झटका लगता हुआ काया, तो बहुत ही बड़ा झटका किलोनी के लिए काली के रूप में लगता हुआ। तीसरे ओवर जारी और अब तक दो विकेट गिर चुके हैं किलोनी के, और 24 के स्कोर पे दूसरा झटका लगता हुआ काली के रूप में किलोनी को, और उनकी जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज विपुल भावर। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पहले लौट चुके हैं किलोनी के, और नो स्ट्राइक छोर पर अजीत, और स्ट्राइक पर जाएंगे विपुल। सराहना करनी होगी हिमांशु की, जिस तरह से उन्होंने चौके और छक्के के बाद में अपने आप पर कंट्रोल करके गेंदबाजी की थी और बांध कर रखा था बल्लेबाजों को, वही प्रदर्शन दोहराते हुए अपने कोटे की दूसरी ओवर में। और अगली गेंद एक बार फिर हिमांशु की विपुल के लिए, अच्छी गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, और गेंद जाते हुए सीधा कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे गेंदबाज हिमांशु, अच्छी गेंदबाजी, सराहना करनी होगी उनकी। हवे में उठाकर खेली गई गेंद, एक बार फिर आउट होने का खतरा, और तीसरा झटका लगता हुआ किलोनी को 24 के स्कोर पर विपुल के रूप में। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन यहां पर दिखाते हुए हिमांशु, देखना है विपुल की जगह लेने नए बल्लेबाज किलोनी किसे भेजती है। विपुल की जगह लेने जा रहे हैं नए बल्लेबाज अरविंद, और उतनी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली लगातार हिमांशु द्वारा। अपने पहले ओवर में उन्होंने 12 रन खर्च किए थे, और दूसरे ओवर में अब तक मात्र एक रन खर्च करके दो विकेट को पवेलियन भेजा है उन्होंने, कमबैक किया है। अरविंद एक बार फिर जोरदार खेलना चाहते थे लेकिन असफल हुए, मात्र एक रन लेने में सफल रहे। हिमांशु की अगली गेंद एक बार फिर अश्विन के लिए, अजीत ओवर समाप्त। तीन ओवर की समाप्ति पर तीन विकेट के नुकसान पर किलोनी का स्कोर जा पहुंचा 25 रन।
अपने की कोटे की दूसरी ओर फेंकते हुए यहां पर युवराज और उतनी अच्छी बल्लेबाजी एक बार फिर देखने को मिली किरोनी की ओर से। धीरे धीरे अपने स्कोर में इजाफा करते हुए किरोनी के दोनों ही बल्लेबाज और उतने अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए युवराज अपनी टीम की ओर से। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे हैं, मात्र एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अरविंद को। और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली। इस गेंद पर ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा किलवनी का 31 रन। 31 धन्यवाद डीसी मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीर खान साहब की आवाज आपने सुनी थी, देख सकते हैं काफी बढ़िया मैच था। काली ने स्टार्ट अच्छी की थी, अश्विन ने बढ़िया स्टार्ट की थी, मगर पहला विकेट 22 पर आया, उसके बाद लगातार विकेट गंवाती गई टीम। अभी तक 3 विकेट गंवा चुके भी और बल्लेबाज अजीत कापित और अरविंद मैदान के अंदर। रनों की बात की जाए, रन लगे उसके कारण पर मात्र 31 चौथा और पगती पथ पर चार ओवर समाप्त हुए, 5 ओवर लेकर आएंगे। गेंदबाज की बात की जैसे तो गेंदबाजी के लिए आते हुए वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेला गया और गेंद इस वक्त मैदान के बाहर, 6 रन अजीत काबित। धन्यवाद डीजे। तो अजीत ने इस वक्त सागर का स्वागत छक्के के साथ किया, 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड तब्दीली। पर जा पहुंचे स्कोर कार्ड, फिर एक बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, देख सकते हैं डॉट बॉल तेज तर्रार गेंद नजर आई और डॉट बॉल 37 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। अभी बात की जाए इस ओवर की, आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी होगा। फिर एक बार ऑन साइड पर क्रॉस बैट खेलने का प्रयास, सॉफ्ट के बाहर थोड़ी सी स्लोवर गेंद डाली जा रही है, पहली गेंद थोड़ी सी तेज थी, उसके बाद थोड़ी सी धीमी गेंदों को रखा गया। 37 पर जा पचास को कार्ड, एक तरफ शार्बी 11 गांवदेवी तिर से, तो एक तरफ किलवानी 11 सिलवासा, ये दो टीमें खेलती हुई नजर आ रही हैं।
इस वक्त ऑफ के बाहर खेलना चाहते थे कि दीप में खिलाड़ी वैभव, जब तक गेंद की तरफ आए थोड़ी सी गेंद आवर होती है, दूसरा लेना चाहते थे जिसे दोनों दौड़ रहे हैं और यहां पर विकेट का पतन। बल्लेबाज अजीत को जाना होगा मैदान के बाहर, अजीत गावित बैक टू डगआउट, घड़ी विकेट क्रमांक चौथा मैदान के बाहर 38 रनों पर। धन्यवाद डीजे। तो पंकज ने बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, छठे क्रमांक पर रनों की बात की जब 38 लगे हैं, अरविंद की बात की जब 5 गेंदे 5 बल्लेबाजी कर रहे हैं और पंकज इस वक्त न्यू बैटर। इसके बाद सुमित फाइटर देहरी और कोसा 11 बोथ द कैप्टन, आपको तैयार रहना है, टॉस किया जाएगा दोनों ही टीमों के बीच में। पांच ओवर प्रगति पथ पर है, थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की गई, जिस तरह से स्टार्ट हुई थी काली ने 16 रन बनाए थे अपने बल्ले से, दो चौके एक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला था। फील्डिंग की सजावट देख सकते श्याम चौधरी विकेट कीपर, थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। हम खिलाड़ी की बात की जाए तो फील्डिंग पर आते हुए कुणाल भगत को रखा गया शीट शॉट में डाउन पर दायरे के अंदर, रिवर्स खेलने का प्रयास, थोड़ी सी तेज तर्रार डॉट बॉल, पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद पिछली बात की जाए पिछली 5 गेंदों पर क्या कमबैक है, मात्र 1 रन खर्च किया गया। आखिरी गेंद का खेल बाकी स्ट्राइक पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज पंकज सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास था, लॉन्ग ओवर खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी से गेंद को फील्ड करने का प्रयास, थोड़ी सी खराब फील्डिंग, बैकअप के लिए खिलाड़ी नहीं है, युवराज डुकले जा रहे हैं मगर गेंद तेजी से मैदान के बाहर, 4 रन, खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई नीलेश बसवत द्वारा और 4 रन का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। स्कोर की बात की जाए 42-42 पर जा पहुंचे, 5 ओवर हुए समाप्त 42, आने वाली 6 ओवर का खेल बाकी होगा। चलिए सुमित फाइटर देरी भावेश घोड़ा टॉस के लिए आइए, और एक तरफ कोचा ही उनके कप्तान, चलिए टॉस के लिए तुरंत आना है आप लोगों को। धन्यवाद डीजे। इस वक्त गेंदबाज कुणाल भगत आएंगे गेंदबाजी के लिए, आखिरी ओवर लेकर आ रहे अपने टीम की तरफ से, तिरछे टीम के लिए विनोद मोहिते कुणाल मोहिते हम देख सकते हैं तिरछे के डगआउट में बैठकर मैच का आनंद लेते हुए। इस वक्त पहली गेंद कुणाल भगत की, लॉन्ग ऑन पर खेल दिया युवराज है मगर देख सकते इस वक्त हमारे कमेटी मेंबर्स देखेंगे। अंपायर है यहां पर थर्ड अंपायर मुनाफ सुल्तान और उंगली उठाई गई, विकेट का पतन, अच्छा शॉट मार दिया युवराज ने, अच्छे कैच को लपका बैलेंस किया, देख सकते वहां पर कमेटी मेंबर समीर खान और टिंकू यादव। चलो बैट्समैन तुरंत भेजिए सिल्वासा टीम, चलो टॉस के लिए आइए गोता 11 भीम अपने कैप्टन को टॉस के लिए भेजिए। चलो गोता 11 टॉस साठी विनंती करूल या गुरु सुशी टीम क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष तफसीर खान साहब, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। तफसीर भाई आइए,
आपके हाथों से टॉस किया जाए। तो नहीं, बल्लेबाज जगदीश शाह ही बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला था युवराज डुगले ने, बेहतरीन क्या मतलब कर जगदीश शाह। पहली गेंद डॉट खेली गई, टॉस किया जा रहा है इस वक्त। हम देख सकते हैं अगले मैच का तफसीर खान साहब के सुबातो शो। और टॉस इस वक्त टीम जीतती हुई, कोचा इलेवन अपना फैसला भी सुनाइए। फिर से एक बार डॉट बॉल, फिर से एक बार डॉट बॉल, बिंदी गेंद फील्डिंग लिए गई है। भविष्य तमर बैट्समैन तैयार रख जो तमर टीम ने बैटिंग करवाने से पहला। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, हॉसर पे खेलने का प्रयास। श्याम चौधरी थोड़ा सा विफल हुए गेंद को रोकने में, मगर अंपायर दर्शाते हुए 22 के रूप में एक रन ऐड करते हुए स्कोर कार्ड एक से आगे चलते हुए स्कोर कार्ड जा बचा इस वक्त 43। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर गेंदों की बात की जाए, गेंदे हो चुके अभी तक 4 गेंदे, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी होगा। 43 पर रुका स्कोर कार्ड, थोड़ी सी दिया रन गति धीमी हो चुकी, जैसे लगातार विकेट है, 5 विकेट अभी तक गवा चुकी है टीम। आइकॉन खिलाड़ी की बात की जाए, कमलेश काली और अश्विन भोया का विकेट जब आया उसके बाद रन गति को रोका गया। फिर एक बार जड़ में रखा, बेहतरीन गेंदबाजी कुणाल भगत, अभी तक लीग 22 के रूप में 1 रन खर्च किया गया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे कुणाल अपनी टीम के लिए। आखिरी गेंद का खिलाना बाकी होगा, आखिरी गेंद मैडन ओवर देखने को मिलेगी क्या इस प्रतियोगिता की पहली मैडन ओवर हम देखने को मिलेगी कुणाल भगत की गेंदबाजी में, क्या आखिरी गेंद है। और यहां पर ये वाइट बॉल, ये वाइट बॉल, ये खराब गेंद अंपायर दर्शाते हुए 44 पर जा बचा स्कोर कार्ड। अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा इस ओवर में। राकेश हम देख सकते हैं मैच का आनंद लेते हुए उधवा से बिलोंग करवर कल इन एक्शन नजर आएंगे खेलते हुए। मिस्टर राकेश वेलकम, राकेश माची। फिर एक बार ये गेंद बढ़िया थी, ये गेंद बढ़िया थी। ओवर नंबर समाप्त होते हुए 6 ओवर के समाप्ति के बाद 44 लगे, 45 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए शारवी 11 गांवदेवी तिरछी टीम को। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा मैच खेला जाएगा, एक तरफ भविष्य घोड़ा की टीम नजर आएगी, सुमित फाइटर देहरी जो ऑनर है टीम की, रवि कोरणे उनकी टीम, तो एक तरफ कोचा 11। कोचा 11 के कप्तान ने टॉस जीता, पहले फैसला किया, गेंदबाजी का बल्लेबाजी का न्योता दिया गया सुमित फाइटर देहरी को। चलो फील्डिंग के लिए तुरंत सजा ले काली, फील्डिंग तुरंत सजा ले सिल्वा से टीम। 45 रन का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए टीम तिरछे को। दरवाड़ी से वेलकम बैक। फिर एक बार मैच की शुरुआत की जाएगी, हम देख सकते हैं 45-45 रनों का लक्ष्य लगाया गया इस मैच को जीतने के लिए। चलिए दो बैटर मैदान के अंदर आएंगे नजर, श्याम चौधरी और
एक तरफ वैभव, वैभव पिछले मैच में शून्य पर मैदान के बाहर नजर आए थे। इस वक्त बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। श्याम चौधरी ने भी खासा इंप्रेस नहीं किया था, एक छक्का जरूर उनके बल्ले से देखने को मिला। एक तो आइकॉन खेलते हुए नजर आए टीम में, भिवंडी से बिलोंग करते हैं, टीम घर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है। टीम घर के लिए काफी क्रिकेट खेलते हैं, गांव एक के लिए। एक लेफ्ट हैंडर हार्ड हिटर बल्लेबाज है, पहली गेंद ऑफ साइड में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, पंकज नजर आए गेंद को फील्ड करते हुए, तब तक एक रन बटोरा गया। एक रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड खाता खुलता हुआ वैभव के बल्ले से। स्ट्राइक पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज इस वक्त नजर आएंगे मिस्टर श्याम चौधरी। श्याम चौधरी इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे। लेफ्ट हैंड पर सर थोड़े से स्पीड अप करना है अंपायर्स, क्योंकि मैच और हमें खिलानी है। 4:30 बज चुके हैं। मार्मिक वार्ता के माझी पत्रकार आदरणीय सम्माननीय सागर बोरसे साहब, आपका वेलकम होगा। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला गया, देख सकते हैं हम सागर बोरसे और तफसीर खान साहब आज मैच टू मैच देख रहे हैं। डेनिम कलर में है दोनों भी। एक सिंगल बटोरा गया श्याम चौधरी के माध्यम से भी, 2 गेंदे 2 रन लगे हैं स्कोर कार्ड पर। एक अच्छा बैटर काली की बात की जाए, काली एक बेहतरीन गेंदबाज है। अश्विन भोया बड्डे बॉल में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी वहां पर एक गेंद को फील करने का प्रयास, गेंद को जब तक थ्रू किया लॉस्ट है। गेंद पर 1 रन बटोरा गया। गेंद की बात की जाए, गेंद हो चुकी है 3 गेंदे 3 रन लगे स्कोर कार्ड पर। तो फिर से एक बार काली अभी तक 3 गेंदे डाली, अच्छी गेंदबाजी कर रही, 3 सिंगल खर्च किए गए। इसके बाद पटकी दी गई, 30 गेंद का लाभ कर दिया श्याम चौधरी के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन 6 और 6 रन। धन्यवाद इसे तो श्याम चौधरी ने इस वक्त बड़ा हल्ला किया गया, 6 रन बटोरे, 4 गेंदे 9 पर जा पहुंचा स्कोर कार्ड। यहां से बनाने अभी भी 36। फिर से एक बार ऑन द राइज आकर खेला, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, 6 रन बैक टू बैक दूसरा सिक्सर श्याम चौधरी के बल्ले से। पहले 3 गेंदों पर सिंगल आया, उसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए। फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी, देख सकते हैं हम डीप काउकॉन और डीप लॉन्गॉन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। डीप मिडविकेट खिलाड़ी को सर्कल के अंदर बुलाया गया। फिर से एक बार इस वक्त डीप मिडविकेट के ऊपर से गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क, 1 बाउंस सीमर चपार, 4 रन। ओवर नंबर पहला समाप्त हुआ, 1 ओवर के समाप्ति के उदाहरण की बात की जाए, रन लगे स्कोर कार्ड पर 19 बिना कोई विकेट गवाए। तो पहली ओवर समाप्त हुई, पहली ओवर के समाप्ति के बाद 19 लगे, यहां से 26 रनों का लक्ष्य होगा, 5 ओवर का खेलना बाकी होगा। अश्विन भोया बड्डे बॉय इस वक्त मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए, स्ट्राइक पर वैभव, 2 गेंदे 2 पर बल्लेबाजी कर रहे वैभव।
अश्विन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। विकेट के पीछे कमलेश काली नजर आएंगे। प्री क्वार्टर का मैच जो टीम जीतेगी पहली सात तीसरी टीम नजर आएगी सुपर एट में क्वालिफाई होने वाली इस प्रतियोगिता में एसटी पैनल से। हल्के बल्ले से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया गया, एक सिंगल बटोरा जाएगा एक रन के साथ, स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त हम देख सकते हैं 20-20। अश्विन भोया गेंदबाजी के लिए फोर्स वन लाइव के माध्यम से हम देख सकते हैं कैमरामैन अनिकेत आरोटे और एक तरफ साहिल आरोटे ऑनलाइन ऑपरेटर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी तेजी से स्वागत हो गया इस प्रतियोगिता में अच्छा काम करते हुए दोनों ही भाइयों की जोड़ी। एक बार ऑफ साइड में गेंद, गैप में गेंद को खेल दिया, गैप में गेंद ट्रैवल होती हुई अजीत थे गेंद के पीछा करते मगर गेंद चार रन के लिए। पिछली चार गेंदें जब खेली है श्याम चौधरी ने, पिछली चार गेंदों में बात की जब 20 रन उनके बनोटे बटोरे, पांच गेंदे और 21 बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी अच्छे लय में श्याम चौधरी की यही ताकत है वो दर्शाते हुए। पिछले मैच में मात्र एक छक्का इनके बल्ले से आया था मगर इस मैच में 45 चेस करने हैं, 24 अब तक लग चुके, 21 आए हैं श्याम चौधरी के बल्ले से, पांच गेंद इन्होंने खेली है, दो छक्के दो चौके उनके बल्ले से आते हुए। इस वक्त दिशा दी है डीप में खिलाड़ी मौजूद, कैश लपका जाएगा श्याम चौधरी इस वक्त मैदान के बाहर, विकेट क्रमांक का पहला बैक चौड़ेगा आउट। धन्यवाद इसे तो युवराज डुकले, पिछले मैच में 52 रन लगाए थे, 19 गेंद उन्होंने खेली थी, 52 रन इनके बल्ले से आए थे, वही बल्लेबाज मैदान के अंदर मगर 21 रन की बेहतरीन पारी खेली, 6 गेंदों पर 21 बनाए और मैदान के बाहर श्याम चौधरी इस वक्त बैक टू डगआउट है। अश्विन की बात की जाए एक विकेट उन्होंने चटकाया, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर विकेट, श्याम चौधरी मैदान के बाहर। युवराज डुकले लेफ्ट हैंड बैटर मैन फ्रॉम थ्री से, इस खिलाड़ी की बात की जाए तो अंडर 24 के खिलाड़ी है, काफी कम उम्र के खिलाड़ी मगर कम उम्र में ज्यादा नाम इन्होंने टेनिस क्रिकेट में किया, वही खिलाड़ी इस वक्त मैदान के लिए छोटे से गांव से बिलोंग करते मगर इस वक्त अपने गांव के लिए खेलते हुए नजर आए गांव एक संघ में, मगर जब इस खिलाड़ी की बात की जाए आइकोन खिलाड़ी के रूप में ज्यादातर मांग होती है इस खिलाड़ी की, वो खिलाड़ी मैदान के अंदर है युवराज डुकले, पालघर जिला वाड़ा तालुका से बिलोंग करते, तिरछे गांव से मैदान के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। अश्विन भाई फिर से एक बार गेंदबाजी करते तैयार, जड़ में रखा था गेंद को लेफ्ट किया गया, सम्मान दिया गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद को मात्र देखते रहेंगे, डॉट बॉल जरूर आई है मात्र यहां से बनाने इस मैच को जीतने के लिए 20 रनों का लक्ष्य। इक्कीस रन बनाने 24 लगे हैं स्कोर कार्ड पर, माफ कीजिएगा गेंद हो चुकी है चार, चार गेंद में 5 रन भी तक खर्च कर चुकी है अश्विन भोया। फुल टॉस बॉल यहां पर पलटवार रिवर्स चार रन, युवराज डुकले के बल्ले से आता खूबसूरत चार। तो 28 पर जा पहुंचा, यहां से भी 17 की दरकार होगी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, आते ही पहले के डॉट उसके बाद एक चौका, क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था, गेंद आकर बंदर प्रशोधि कल्पेश गेंद की तरफ आगे रन लेना चाहती युवराज मगर वैभव ने रोका है, ओवर नंबर दूसरा समाप्त होता है, दो ओवर के समाप्ति के बाद रनों की बात की जाए रन लगे स्कोर कार्ड पर फिलहाल 28, इस ओवर में 9 रन आए, एक विकेट छटकाने में कामयाब हुए गेंदबाज, अभी भी आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी होगा, 4 ओवर बनाने 17 इस मैच को जीतने के लिए, 17 रनों का लक्ष्य होगा अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। कल्पेश फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आएंगे खिलवानी 11 सिल्वासा टीम की तरफ से। धन्यवाद इसे तो कल्पेश काली
इस वक्त गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर वैभव। वैभव की बात की जाए तीन गेंदे मात्र खेली, तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तीन गेंदे चार पर हैं। युवराज डुकले स्लोवर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर इस वक्त व्हाइट बॉल दर्शाते हुए व्हाइट के साथ स्कोर कार्ड आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचे। इस वक्त हम देख सकते हैं 29 अंकों पर, यहां से भी 16 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस बॉल ऑफ साइड पर गेंद को खेला गया, खिलाड़ी हैं काफी दूर, गेंद को थोड़ा सा खराब फील्डिंग की गई मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी आए, तब तक दो रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए। तो फिर से एक बार कल्पेश गेंदबाजी के लिए होते हुए तैयार। इस वक्त सीधे बल्ले से खेल दिया, डीप में खिलाड़ी हैं अरविंद, अच्छा कैच लपका गया अरविंद द्वारा और बल्लेबाज कल्प वैभव इस वक्त मैदान के बाहर। धनंजय धन्यवाद धन्यवाद डीसी मास्टर। तो हिमांशु पाटिल आए नए बल्लेबाज, अभी तक दो विकेट गवा चुकी है टीम, रन की बात की जाए रन लगे स्कोर कार्ड पर 31, 14 रनों का लक्ष्य होगा अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। अभी तक गेंदे डाली जा चुकी मात्र दो गेंदे, बात की जाए इनिंग्स में 22 गेंदे 14 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के। हिमांशु इस वक्त स्ट्राइक पर, इस वक्त नटराज मुद्रा में गेंद को खेल दिया, पहला रन तेजी से पूरा करके दूसरे का प्रयास किया जाएगा। धोनी बल्लेबाज रोका हिमांशु ने युवराज को, एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा। एक के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त हम देख सकते हैं 32, यहां से बनाने 13। रन बनाने कल्पेश गेंदबाज के लिए तैयार होंगे। काली नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली इस खिलाड़ी को, कोतरा से बिलोंग करते एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इस वक्त शॉट तो बढ़िया खेला, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं और यहां पर 6 रन का इजाफा, 6 रन के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा इस वक्त हम तो देख सकते हैं 38, 38 अंकों पर मात्र 8 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने 7 रन बनाने हैं। 45 रनों का लक्ष्य होगा। कल्पेश की बात की जाए खिलाड़ी वहां पर थे मगर जो मैदान की व्यू रचना है ना वहां पर हम देख सकते हैं एक कुआं है, थोड़ा सा अंदर की ओर बाउंड्री आई है, उसके ऊपर जाकर गेंद लगी है। क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था, अपील की गई बल्ले का सिरा जरूर लिया अंपायर, ये दर्शाते हुए डॉट बॉल जरूर आएगी। अभी बात की जो जोर में गेंदों की तो आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी होगी, 19 गेंदों और 7 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। 19 गेंदे 7 बनाने इस मैच को जीतने के लिए हम देख सकते हैं सागर भोर से। वेलकम सागर भाई, आपका हार्दिक स्वागत। ऑफ साइड में गेंद को खेला गया, खिलाड़ी काफी दूर है अरविंद मगर गेंद वन माउस सिमर चपार, 6 रन 43 पर जा पचास स्कोर कार्ड, यहां से मात्र 2 रन माफ कीजिएगा 42 हो चुके, 3 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। 3 रन बनाने हैं, अश्विन भोया को बुलाया जाए गेंदबाज भी, काली की बात कर थोड़े से महंगे साबित हुए इस इनिंग में, अभी तक उन्होंने 2 ओवर डाले और रन खर्च कर चुके 33, 33 रन उनके 2 ओवर में आए हैं, एक विकेट उन्होंने जरूर चटकाया मगर काफी महंगे साबित हुए। 3 रन डिफेंड करने आने वाली 18 गेंदों में 18 गेंदे 3 रन, इस जीत से दूर। हिमांशु पाटिल मैन फ्रॉम अलीमगढ़ भिवंडी का एक खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर मैच फिनिश करेगा या फिर युवराज को मैच फिनिश करने का मौका देगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद ने काटा बदला है, इस वक्त मूड बना चुकी है हिमांशु मैच फिनिश करने का, पहली गेंद पर प्रहार करना चाहते थे मगर डॉट गेंद आई है। आइकॉन खिलाड़ी है इस वक्त तुलसी टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं हिमांशु। अश्विन भोया फिर एक बार अंपायर की तहनी हो से गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार, आइटम ओवर द विकेट।
आगे निकले मिस टाइम जरूर हुआ। गेंद के नीचे खिलाड़ी जज किया था मगर कैच को छोड़ा है। हल्के कदमों से रनों को पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज काफी आराम के साथ। नौ स्ट्राइक एंड पर पहुंचेंगे हिमांशु पाटिल। यहां से अगर बात की जाए तो 16 गेंदे और बनाने हैं दो। देखा जाए युवराज डुकले युवराज सिंह स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। एक अलग स्टांत में खड़े रहते हैं विकेट पर। हम देख सकते हैं एक अलग स्टांत उनके बल्लेबाजी करने का। युवराज ऑन स्ट्राइक लेफ्ट हैंड बैटर। जब भी कोई लेफ्टी बैटर अच्छी बल्लेबाजी करता तो एक सुकून सा दे जाता है। बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस वक्त रिवाज खेलने का मन बनाया टैप कर दिया शॉर्ट पैड शॉर्ट डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फील किया गया थ्रू किया गया और इस वक्त ओ भाई लेवल स्कोर का लेवल होता हुआ शशि यादव आपका वेलकम होगा स्कोर का के साथ। हमारे मंच पर है मिस्टर शशि यादव वेलकम। और स्कोर कार्ड पर जा पहुंचे 44-44 स्कोर कार्ड होते हुए लेवल। एक रन की दरकार होगी इस मैच को जीतने के लिए। हिमांशु पाटिल इस वक्त स्ट्राइक पर। फुलटस बॉल और इस मैच को अपने नाम जरूर किया गया और तीसरी टीम मिलती हुई सुपर एट में पहुंचने वाली शारवी इलेवन गांव देवी तुलसी। कॉन्ग्रेचुलेशन युवराज डुकले कॉन्ग्रेचुलेशन गांव देवी तुलसी टीम। आप पहुंच चुके हैं कुणाल मोहिते और विनोद मोहिते आपको बहुत बहुत मुबारकबाद होगी। आपकी टीम पहुंच चुकी है सुपर एट में। इस मैच के मान द मैच की तरफ चलेंगे हम जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच ही थोड़ा सा असमंजस था किस खिलाड़ी को दिया जाए मैन ऑफ द मैच। दो ओवर जिन्होंने डाले 14 रन खर्च के 2 विकेट चटकाए मैन।